खोराबार पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब मुठभेड़ के दौरान लूट करने वाले गैंग के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों अभियुक्तों के नाम क्रमशः अजय गुप्ता, अनूप यादव, सूरज और शुभम है। इन चारों अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक होंडा सिटी चारपहिया वाहन और 5000 नगद और 3 मोबाइल बरामद हुए। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। भाई क्या सवा दो किया गया था? सवा दो? दो, 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 दो से सवा दो। अच्छा पता नहीं, जब कोई घटना सही खुलती है तो चोरी लिखाने वाले, लूट लिखाने वाले ज्यादा पैसा की? नहीं, हम चोरी में कुछ छिपाते हैं कि इनकम टैक्स वाले कहीं ना है, कुछ मतलब शादी ब्याह का सब कुछ जिक्र कर देते हैं। और आ जाओ बीच में, बीच में रहेंगे आप, किनारे किनारे घटनाक्रम का पूरा सूत्रधार है। नहीं अनुप नहीं, बच्चा बच्चा बाबू, बच्चा बाबू। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में थानाध्यक्ष खोराबार की पुलिस टीम द्वारा कल एक पुलिस मुठभेड़ में चार शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। ये पुलिस टीम ने इन लुटेरों को रोकने की कोशिश किया, चेकिंग करने के लिए होंडा सिटी कार में सवार थे, इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने बचाव करते हुए घेर कर इनको गिरफ्तार किया। ये शातिर लुटेरे की गिरफ्तारी के बाद लूट की दो घटनाओं का खुलासा हुआ। अभी 15 फरवरी को एक फोटोग्राफर के साथ डांगीपार गांव में उसके 3 मोबाइल और उससे लगभग 14-15 हज़ार रुपये लूटे गए थे। गिरफ्तारी के बाद इन लुटेरों ने उस घटनाक्रम का खुलासा किया है और लूटे गए 3 मोबाइल फ़ोन और लूट के 5000 रुपये रकम भी बरामद की गई। लूट के पैसों को क्या करते थे, किस लिए यूज़ करते थे? अभी इन लोगों ने तरकुल्हा में जाके एक पार्टी किया था और जो पैसा लूटा था इन्होंने 14-15 हज़ार, उसमें से उस पैसे को उन्होंने पार्टी में खर्च किया था। ये पढ़े लिखे कार्मल टैक्सी स्टैंड से होंडा सिटी गाड़ी किराए पे चलाता है, चलवाता है और बाकी लोग गांव के ही व्यक्ति। अब पुराना अपराधी का इतिहास है, वो वाहन चोरी में भी जेल जा चुका है।